बैठिए दुकान पर लिख रही है तो इस वीडियो वाला कोई भी कहानी बल पता पड़ेगा भैया ले गया पच्चा लिख के मेरे तीन बालक हैं और तीन बालिका हैं। मेरे पास छह बच्चे हैं। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। ढाई साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे, हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है। अब जितनी रोजन की बात बता रहो तो अब ये दुख तो हमारे भयो ना हो, हमें तो अच्छा लगे कि क्या कहते हैं जी हमारे यहाँ आएगा अच्छे घर को है, हमारी भी अच्छी प्रवक्ता है, तो आना जाना बनते रिश्ता बने हमारा जी। बोले मम्मी हम बोले जाते हैं उनके लिए बेटा तुम कागते हमारे ना पैदा भाई जन्म लेके आयो। फिर बोलो मम्मी आपको धोखा दे के नहीं जाऊंगा मैं, मेरे यहाँ मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लो है तो मेरे तो कागते तुम माँ बाप हो और भी माँ बाप हो। साधारण तो है और बहुत ही साधारण है, बच्चों में खेलता है कूदता है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे काम भी कर डालता है जो कि बड़े बड़े हम लोग इस उम्र पे भी नहीं कर सकते। जी वो लोग हम तो घर भी जाएंगे, तुम पे कितने लौट रहे हम पे जा रहे हैं, अगर ही हमारी दुकान है अगर ही हमारे बच्चा है हम कदम झूले चुनाने आ गए। अगर लाइन मेरी दुकान है टीवी रेडियो रोनू सोनू ये लल्लू को नाम है बच्चों को उमा में बहू है। दुकान में टीवी रेडियो वीडियो सब चीज है। इनकी दुकान है वो मेरी मेरी और सारी भाई कोठी मेरी है। कपूर भाई पैदा ले ले कपूर पैदा छुड़ांगो राजी भाई कोठी है सारे भाई कपूर भाई है मेरे घर वालों ने यह फैसला किया कि मैं आगरे जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं। सुरेश रेडियो की दुकान मुझे मां मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके दो लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। अजीब सा तो लगा ही मेरे को, फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई कैसे हुई क्या करना है चलना है, सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को, मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा कैसे ऐसे बात है, बोलो बोले कि चलो सुबह चलते हैं। सुबह 7 बजे गई वहाँ
जीवा भी नारे नल पे। तीतू बोलो के पापा जी मेरे तो घरवारे आई तुम अभी नहीं रहे हो नल पे। उमा उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। तो भी हम द्वार पे बैठा दे सगरी। और तीतू बड़ा हिले मिलो ये तो बहुते बोलो के मम्मी जी खाट पे बैठी है यहाँ रे लाला जाते दो बात करूंगा उमा से। उमा जट नहीं आएगी। और टीटू बोले उमा ते के तेने में पहचान लो के ना पहचानो। तो बोले कि वो पता ना पहचाने के रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं के घर ही बैठे हैं। अब बोली कि मैंने तो धुन में डाल दे दोनों बच्चे डाल दे धुन। तो जी बोले कि अच्छा कि मैं पहचान कर अच्छी तरिया के मुँह पर ना पहचान नहीं के हम धौलपुर दीदी के यहाँ गए माँ दोनों रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए। तो तुमने कहा कि तुम अगले भी खवाई हम तो चुप है जी। मेरा बटुआ सुनो इसको पहले जे आपको है तो जगह उड़ी गई जगह यही है साहब उसे अपनी याद है ले जय भाई मम्मी को है और जी उमा को है। अच्छे मैं गंदी मैं धोती पैर के पास साड़ी है जहाँ तक कही तुमको तुझे तो मम्मी मेरी उमान तो 2,000 की साड़ी पहनती है तुम गंदी धोती के पास मत जाओ करो। हम भगवान ज्यादा है तुम मम्मी गरीब हो हमें ना अच्छा लगा तू कहो कि तो कातन को मकान मियो यहाँ दिन ना लगा तू तुझे मार दिन तक जी वाल तुझे कि तुम तो आगरे जाओ मैं ना भैया तू आगरे जागो तो हम अजान न पहचान कहाँ जागो आगरे के ना मैं ना तो आई झट झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल ले तुझे। आजा भाई टीटू इधर आजा इधर आजा इधर आ भाई करो नमस्ते। काय मम्मी का बता दे नमस्ते कर दे सबसे घर है ना बता दे इनको बता दे बैठ जा सोनू को बता दो सोनू को बता दो वहां बैठ के बताओ या बता दे बता दे इधर आजा। इसका फोटो है मेरा। किसका फोटो है? नाम क्या है? तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा पास मैंने तो पहले खिंचवाया। अच्छा काय के लिए? ये सोचा का 80% अपना बच्चा है ये और 20% जरा सकता मुझे उसके ऊपर। जब भी मेरी तबीयत 2-4 बार मेरे घर पर भी मेरे पास आया वो और चिपट गया उससे और मुझे छोड़कर नहीं जाता कहीं पर ही। वो बड़ी मुश्किल से मैं अपना उसको पीछे छुड़ाता हूँ। एक बार फिर वो आया रात गली में जा रहे थे हमारी पुरानी नौकरानी मिल गई माया। तो माया ने तो समझा ये बच्चा जी है सोनू सोनू है या टोनू है। उन्होंने कहा सोनू से उसे बिगड़ गया उससे वो तो मुझे पहचानती नहीं मैं कौन हूँ कहीं। इनको देख भी तो लो। तो हमारी ये जिज्ञासा हुई कि इसके बालक जब ये कहता रहता था कि कौन से हैं तो हमने कहा देख तो दिया जाए कि कौन से हैं। हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं था तो हमने इनके घर पहुंचने के बाद उन्हें सूचना दी कि आप अपने बालक पड़ोसियों के बालक और इनके सभी बालकों को एक झुंड में बैठा दीजिए। जब हमने कहा कि आप ये बताइए कि रोनी सोनी कौन से हैं जिनके लिए आप रोज कहते रहते हो तो ये हमारी गोदी से उठा और दोनों रोनी सोनी दोनों बालकों को पकड़ लाया। ये तुमसे बड़े कैसे हो गए? तुम तो छोटे हो।
मेरा तो काम जिंदा पहले बड़ा हो। कैसे पहले बड़ा हो? पहले बड़े थे पर क्या बड़े कैसे हो गए? मैं जन्म लाया हूँ। कहाँ लिया जन्म? बाद में। तो छोटे हो गए, अब बड़े कैसे होना है? बड़ा तो ठीक है ताकि बाप बेटे के संबंध है, आता है हमसे प्रेम करता, हम उससे प्रेम करते हैं अच्छी प्रकार से, खिलाते पिलाते नहीं उसे ज्यादा, इसलिए और नहीं कि वो उन्हें परेशान घर वालों को बहुत ज्यादा करता है, मैं करता का उन्हें ज्यादा परेशान करता है। वो करवाए खुदाई होगी नहीं करा तब तो खुद ही होने लगा। अच्छा आपको खुदवाए? आपको कब खुदवाए? कब कब कल चाहे खुदवाई ली हूँ तो लेकर आयो आ रहा हूँ मतलब ले लूंगे। अच्छा आ तू ले ली हूँ ठीक है। बड़ा में ऐसे ऐसा नहीं जो गड्ढा खोद रहा वहां में रखा, गड्ढे में रखा हुआ है वो सांझ वाली कोठी में। तो फिर चला ना ना चला चला किसको गाओ चला ना चला घर में गो रहे हो कहीं रह रही कहीं नहीं रही। और आज भी हम लोग ये पाते हैं कि उसे हमारे घर से कोई प्यार नहीं है, माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है, और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। कौन हमारे को नहीं लगता है हसबैंड ने जन्म लिया है, मगर मानते भी हैं, मगर जाते भी हैं, सोचते भी हैं। उससे ज्यादा फिर कोई मकसद ही नहीं रहता है, काफी दूर का फासला है, तो इसलिए मतलब सोचा है कि है तो जन्म तो हो ही गया, बस वो मिलते रहेंगे जाते जाते रहेंगे। हम तो सर हैरान है इसलिए कि ये अपने को नहीं बदला, और जब मान लो बड़ा हो गया तो उसके बाद में हम लोगों से संबंध ही बिल्कुल खत्म कर देगा। बहुत बड़ा ममता आती है ना कि अपना बालक होते हुए ये सारी कहानी, जबकि हम वैज्ञानिक युग के होते हुए इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। स्वामी जी बाहर आइए आप। नमस्ते जी। ये मेरे घर एक ऐसा बालक आया है, कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो, कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए, शमशान भूमि में आग लगा दी, आग लगाने के बाद में लोगों ने पानी डाल दिया और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्जन्म की या कोई विशेष बातें हैं, हमें समझा सकोगे आप? ऐसा है, जन्म होने के बाद में बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़वस्था जो ये बनी रहती है, इसी तरीके से हमारे देहांतर जन्म जन्मांतर चलते हैं और ये अखंड रूप से चलता रहेगा। जिन व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उन व्यक्तियों को अखंड रूप से सत्ता का ज्ञान पूर्व जन्म का बना रहता है। ये सारी बातें इसे कब तक याद बनी रहेंगी? ये निरंतर बना रहेगा, इसका नहीं भूल पाएगा तो हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। नहीं ऐसा है, आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रेम प्यार और आपका लालन पालन सामाजिक प्रभाव जब इस पर पड़ेगा तो उसका जरूर पड़सर पड़ सकता है कम और बेश के अंदर, मगर सत्ता का ज्ञान निरंतर रहता रहेगा। ये तो बलबीर ने गोली मारी, तुम क्या कर रहे थे? बता पता जल्दी बता। तू कहाँ जा रहा है? ये तो
तो वहाँ कोठी के पास ही पहुँचे थे, दो तीन हॉर्न दिए थे, उसमें हम निकल के आए और भी आदमी थे, बल्कि वो निकल के आए जब तक उन्हें काफी जोर से आवाज आई थी और उस आवाज में सबने कहा कि सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोली हो गई आवाज थी, बाहर निकल के देखा तो मैंने कहा अंदर आई है तो आई नहीं। मैंने वो सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पर लगे थे, मेरी सीधी चीख निकल गई किसी ने गोली मारी है। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जख्म कितना गहरा था और उसका कान से कितना फासला था। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी।